गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। हिंदी विषय में हम पढ़ रहे हैं पार्ट पांच, बड़ी की मात्रा। हमने आपको कल एक कविता सिखाई थी, आज हम एक और नई कविता करेंगे। इसका नाम है मछली रानी। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? लड़की। लड़की में कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई। इसी तरह से मछली, मछली में कौन सा स्वर आता है? बड़ी ई। इसी तरह से पानी, पानी में कौन सा स्वर आ रहा है? बड़ी ई। तो आइए हम बड़ी ई की मात्रा वाली एक नई कविता पढ़ते हैं। मछली रानी, मछली रानी पीती रहती हरदम पानी, इधर आती उधर जाती, सीप लाती गीत गाती, हरी और नीली पीली रहती वह गीली गीली, पानी में वह इठलाती, इधर उधर वह आती जाती, मीठा मीठा गाना गाती, पी 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 सीटी बजाती, हाथ लगाओ वह डर जाती, कह बहता पानी इसका साथी। आपको बताया ना, जो मछली होती है वो पानी में ही रहती है। तो आपको ये कविता दो बार पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? दो बार। यहाँ पर इस कविता में जो भी आपको लाल रंग से जो मात्राएं दिखाई दे रही हैं, वो सारी बड़ी ई की मात्रा होती है। और बड़ी ई की मात्रा कहाँ पे लगती है? अक्षर के पीछे। जैसे इसमें लगी है ल के बाद बड़ी की मात्रा, तो वो होता है ली। आइए बच्चों अभ्यास कार्य देखते हैं। इसको पहले अच्छे से समझते हैं, फिर आपको इसे करना है। शब्दों के स्टीकर चिपकाकर उनका उनके घरों से मिलान करो। ये जो आप यहाँ पर चित्र की एक छाया जैसी दिख रही है ना, तो यहाँ पर आपको इनका चित्र लगाना है। अगर आपके पास स्टीकर है आप वो भी लगा सकते हैं, वरना आप कहीं से भी पिक्चर की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप उसका चित्र भी बना सकते हैं। ये है मकड़ी, ये है चिड़िया, ये है हिरन, ये है मछली। अब ये जो है, ये जो जानवर है, इनके घर को हम क्या कहते हैं? इनका कौन सा घर है? जैसे आप अपने घर में रहते हो, ऐसे ये भी अपने अपने घर में रहते हैं। तो इनके घर को क्या कहते हैं और इनका घर कौन सा है, उसे आप रेखा खींचकर बताएंगे। दूसरा है आपका वाक्य पूरे करो। यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है, लेकिन इसमें से एक एक शब्द हटा दिया गया है। आपको ये कविता पढ़कर बताना है कि यहाँ पर कौन से शब्द भरने हैं। फिर है मिलान करो। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, आप कविता पढ़ेंगे मछली रानी और देखेंगे कि उससे कौन सा शब्द मिलता है, उसी से उसका मिलान करेंगे। धन्यवाद।